नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले, बजट में की गई हिमालयी राज्यों की उपेक्षा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए सरकार को किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा, 2014 में ही केंद्र सरकार केवल जुवानी जमा खर्च कर किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। विकासनगर में पुलिस ने स्मैक तस्करी में दो युवकों को किया गिरफ्तार। विकासनगर में कोतवाली की पुलिस ने अलग अलग स्थानों में स्मैक तस्करी के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अन्य मामलों में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर दो वारंटी गिरफ्तार किए हैं। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 सीनियर IAS अफसरों का हुआ तबादला। उत्तर प्रदेश में सोमवार देर रात हुए तबादलों ने एक बार फिर सरकार को सुर्खियों में ला दिया है, जहां अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त यानी IIDC पद का प्रभार मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को सौंप दिया गया है, तो वही विधान मंडल के बजट सत्र से पहले अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त संजीव मित्तल का तबादला करते हुए इस पद पर S राधा चौहान को तैनात किया गया है। लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर के दवा नकीम गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियां भी नहीं पा सकी काबू। सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में दवा नकीम के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। गोदाम में रखी दवाइयां, सिरप और कई पेटी सैनिटाइजर से आग की लपटों ने इतना विकराल रूप ले लिया कि दमकल कर्मियों के घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद भी लपटों पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका। ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 लोगों की मौत। लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग पर आ रही तेज रफ्तार कार बेसहारा पशु से टकराकर पास से निकल रहे ट्रक से जा भिड़ी। तेज गति होने के कारण कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करा रही है। मृतकों में से 2 उत्तराखंड निवासी और 1 झारखंड का रहने वाला है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, यह शहर और यह देश हम सबका है। इसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सड़कों पर कूड़ा ना फैलाएं और कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।